लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब दिखाए ना बाबा। बहुत जिद्दी हो तुम पन्नालाल। अगर जिद्दी नहीं होता तो एक चौहार का बेटा डीएसपी बनता। ये बबलू पट्टी ला। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ज्यादा रोशनी में अंधा हो जाता हूँ। तब भी बांधी थी बाबा, दिखने में करेक्ट लिखती पट्टी। बाबा रेडी। आग से नहीं कर पाते बाबा, आप बंद आग से कैसे कर लेते हो? पानी, पानी में डूब गए थे मेरे बाबा, अपने राणा की जान बचाते हुए। सारी रात मैं उनको झील के अंधेरे में ढूंढता रहा, और फिर माई बेटा, ये तुम्हारे बाबा की थी, अब तुम्हारी है। आज से तुम्हारे बाबा तुम में जिएंगे। अपने राणा की रक्षा करना यही तुम्हारा धर्म है। चूंकि तो हमारी लोग पुश्ते नर्क में जाएंगी एकलव्य की तरह। अपने धर्म का पालन करना बेटा। उस दिन से मेरी मां ने मेरा नाम एकलव्य रख दिया, और मेरे बाबा की कटार मेरा खिलौना बन गया। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी, पता नहीं तुम्हें क्यों बता दी। बताऊं बाबा? क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूं, है ना? बाबा, जब राणा साहब को धमकी का फोन आया था, आप उनके साथ थे? नहीं, सिर्फ राणा ज्योति वर्धन थे, वही जो लाल हवेली में रहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ।
सूर्यास्त के पहले पहुंच जाएगा तुम्हारे एकलव्य तुम्हारे पास, और जो मन में आए करना। क्या करूं रानी, तुम्हें तो हमेशा बता देती क्या करना है क्या नहीं। ज्योति को फोन करूं या नहीं? भाई जी का फोन ही है अब तक। भाई जी जब मैं आपको उस जनखे के सामने भाई जी करते देखता हूं ना, तो खून खोलता है मेरा। हर्ष मेरे साथ ऐसा करके देखे, गाड़ दूंगा उसे मैं गोली मार के। उदय कैसा दिख रहा है? जी भाई जी हुकुम भाई जी, मुझे तो उसे चाचा कहते हुए शर्म आती है, और आप उसे भाई जी मैं सालों से कह रहे चाचा। 57 साल 52 साल से भाई जी, हाँ जी, ना जी, ये जी, वो जी, हाँ जी, ये जी। हेलो ज्योति। जी भाई जी। रिपोर्ट लिखानी है। जी भाई जी, आधे घंटे में निकलना भाई जी। कितने बज रहे हैं आपके घड़ी में? 5:25। 4 मिनट आगे हैं, मिला लीजिए। 6:10 भाई जी, देर मत करिए। डैड, आपसे कोई मिलने आया है। रज्जू की पतंग कट गई। देखो रज्जू, देखो, कट गई। रज्जू की पतंग कट गई। रज्जो ने जान बूझ कर पतंग कट जाने दी। नंदनी बड़ी खुश है। बहुत अच्छी बच्ची है ओमकार सिंह, अच्छी परवरिश की है तुमने। कहाँ यार, इन राज परिवार वालों के लिए गियर बदलते बदलते पता ही नहीं चला बिटिया कब बड़ी हो गई। प्यारी है, पता नहीं किस घर जाएगी। सब अच्छा होगा ओमकार सिंह, सब अच्छा होगा। निशांची, तुझे कहते कहते बूढ़ा हो गया यार, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। शादी की होती यार, एक आध हट्टा कट्टा गबरू बेटा पैदा किया होता, मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती। इसे उसके गले बांध कर मैं गंगा नहा लेता और हम दोनों समधी बन जाते। अरे कुंवर जी छत पर आ गए। निशांशी, पता नहीं हमारे राणा जी ने कौन से पुण्य किए थे कि भगवान ने ऐसा बेटा दे दिया। रानी माँ के जाने के बाद बहुत अकेले हो गए, ये चाहता है जाकर गले से लगा लो। नहीं कुंवर साहब, बाबा नहीं कहते। मैं बाबा नहीं आपका, मुझे इतना अधिकार नहीं, मैं तो सेवक हूं। मन तो हमारा भी करता है कि गले लगा ले, पर कर नहीं सकते। हमारा इतना अधिकार कर, मैं तो बस सेवक। बहुत ख्याल रखती हो तुम उसका। थैंक यू। वो खुश होती है तो मुझे अच्छा लगता है बस। अब आप आ गए तो मैं जाऊं? रुको ना, तुम्हें वो लोरी याद है जो माँ गाती थी? चंदा रे। हाँ। सुनाओ ना। पर अभी यहाँ कैसे? प्लीज, बहुत याद आ रही है माँ की। निशान जी, दूरबीन से दूर का दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता। वो कह रही